नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ईश्वर के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि विधाता का लिखा कोई बदल नहीं सकता। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम आप सभी को बता दें कि आपको यह बात आज के दिन पता चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि हम आपके जीवन काल के पिछले समय का आकलन किए हैं, जिनमें आपको बहुत सारे संकट समस्याएं और दोस्तों बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इनमें से एक खास बात और अच्छी बात यह है कि आपने कभी भी संकट समस्याओं से हार नहीं माने हैं। लेकिन दोस्तों परेशान बहुत हुए हैं, तंग बहुत हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि भगवान अगर आपको कष्ट दे रहे हैं तो उनमें भी आपके लिए कोई अच्छाई है। यह चीज़ भले ही आपको पहले समझ में नहीं आई होगी, लेकिन दोस्तों आज के दिन आपको समझ में आने वाली है कि दोस्तों आज शाम के 5:20 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में जो बड़े अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं, जो बड़े ग्रहों के खेल, ईश्वर का खेल, यूँ कहें तो भाग्य का खेल शुरू होने वाले हैं कि दोस्तों आप अचंभक में पड़ जाएंगे। जो चीज़ें आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा वे सारे कार्य यश में आपके बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रहों की कुछ ऐसे शुभ परिस्थिति का निर्माण होने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन अब धीरे धीरे बदलते हुए आप खुद अपने आंखों से देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जी हाँ दोस्तों, विधाता का लिखा और कोई बदल भी नहीं सकता। आप सभी को बता दें कि दोस्तों आज शाम के 5:20 के बाद आप सभी की कुंडली में भगवान शनिदेव का षष्ठ नाम का योग का निर्माण होने जा रहे हैं। इसके उपरांत ही माता लक्ष्मी का महालक्ष्मी नाम का शुभ योग का निर्माण होगा। रिद्धि सिद्धि आप सभी के घर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान नाम का भी शुभ योग का निर्माण आप सभी के जीवन काल में आज शाम के 7:20 के उपरांत प्रारंभ हो जाएंगे। यूँ कहें तो दोस्तों आज शाम से आप सभी के जीवन काल में 5 बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। 5 बड़ी ऐसी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है जो कि दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि यह समय जो ग्रहों की स्थिति बनी है, भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों यह समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक होंगे, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हम चीज़ आप सभी से निवेदन करके भी कहते हैं, क्योंकि आपने अपने काल में बहुत सारे कष्टों को देखा है। अगर शुक के दिन आने वाले हैं तो दोस्तों इनसे आप बिल्कुल ही चूक ना होए। आप सभी को बता दें कि दोस्तों आज शाम के 5:20 के उपरांत आप सभी के जीवनकाल में सभी ग्रह आपके सपोर्ट में आने वाले हैं। लाभ के मौके खुलने वाले हैं, चारों ओर से आपको बधाइयां मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ ऐसे संकट आप सभी के जीवनकाल में दस्तक देने वाले हैं, जिनके कारण पिछले कई समय में आपके जीवनकाल में हाहाकार मचे हैं, आपके जीवन काल में संकट समस्याएं आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग आप सभी के जीवन काल में हमेशा से पीछे पड़े हुए हैं और दोस्तों यश में भी आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इनमें हम आपको हर एक बात बताएंगे जिनसे आप इन सभी शत्रुओं से बच सकते हैं, और जो खुशखबरी जो आपके जीवन काल में कामयाबी ईश्वर देने वाले हैं, भगवान शनिदेव देने वाले हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी देने वाली हैं, वे सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे प्रिय भक्त हैं। दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि भक्त अपना भक्ति कहीं भी जाहिर कर सकता है, जहाँ उनका मन करे वहाँ ईश्वर का नमन कर सकता है। जी दोस्तों, और ईश्वर हर जगह से अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, यही तो भक्ति का चरम सीमा होता है। तो दोस्तों जरूरी आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से लिखिएगा। जी दोस्तों, और साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी दोस्तों, इनसे आप सभी को हमारे जीवन काल में जो भी अच्छे अच्छे वीडियो होंगे वो आप सभी के पास आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही अच्छी एक कहानी से,
जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में ऊर्जा का एक नया स्रोत बनेगा, जिनसे आप सभी जीवन काल में आपको कामयाबी के नए नए रास्ते प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इस बात को आपको बिल्कुल ही ध्यान से सुनना है। अगर आप इन्हें ध्यान से समझ गए तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी का जीवन धन्य होने में विलम्ब नहीं होगा। ये साक्षात ईश्वर कहते हैं कि अच्छे ज्ञान व्यक्ति को ऊंचाइयों तक कब ले जाए किसी व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों एक निर्धन व्यक्ति था, वह सरसों का तेल का दीपक जलाकर नित्य गली में रख देता था। चूंकि गली अंधेरी थी इसलिए वहां से गुजरने वाले राहगीरों को बहुत लाभ मिलता था। निकट रहने वाला एक धनवान व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जलाया करता था। मृत्यु होने के बाद जब दोनों यमलोक पहुंचे तो धनपति को निम्न श्रेणी और निर्धन को उच्च श्रेणी की सुविधा प्रदान की गई। धनपति को यमराज का यह न्याय ठीक नहीं लगा और उन्होंने यमराज से इस संदर्भ में प्रश्न किया। तो यमराज बोले कि पुण्य की महत्ता धन से नहीं, कार्य की उपयोगिता सहनित भावना के आधार पर होती है। मंदिर में तो पहले से ही प्रकाशित दीपक जल रहा था। उस व्यक्ति ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया जिसे हजारों जरूरतमंदों तक प्रकाश पहुंचा। इसी से वह ज़्यादा पुण्य का भागीदारी बना। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको आज का ज्ञान समझ में आई हो, इनमें सच्चाई लगी हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर ही कीजिएगा और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों से के उपरांत बात करते हैं कि आज शाम से जो ग्रहों की स्थिति बनी है। आज शाम के 5:20 के उपरांत जो शनिदेव का शश नाम का योग का निर्माण हुआ है, माँ लक्ष्मी नाम का शुभ योग का निर्माण हुआ है। आप सभी की राशि में, आप सभी की कुंडली में कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं, आप सभी के जीवनकाल में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी, कौन कौन सी कामयाबी देने वाले हैं, तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज कोई विशेष कार्य को लेकर निर्णय लेने से आपके अनुभव काम आएंगे। अगर स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो उसे क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। किसी जरूरतमंद नज़दीकी संबंधी के साथ चल रहे जो भी गिले शिकवे हैं वे दूर हो जाएंगे। जी दोस्तों, और संबंधों में भी फिर से मधुरता आएंगी। इसके उपरांत यश में सावधानी की बात करें तो आलस तथा तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके कार्य के पीछे कोई ऐसी कार्य कर सकता है जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। एक प्रकार से कहें तो ये आपके शत्रु विरोधी होंगे जो गुप्त तरीके से आपके पीछे कई समयों से कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपको यह समय आलस और तनाव से बचना होगा और सभी चीज़ों पर अपना निगाह बना कर रखना होगा। अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को सार्वजनिक करने से आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। इसलिए अपने जो भी कार्य हैं, जो भी आने वाले कार्य हैं, आने वाली योजनाएं हैं, अपने तक ही सीमित रखें। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आप सभी को बता दें कि यह समय किसी मित्र के षड्यंत्र के प्रति आपको सजग रहना होगा। जो लोग आपके मुंह पर अच्छे बोलते हैं और पीठ पीछे आपके लिए बुराई वाला कार्य करते हैं, आपको गड्ढे में फंसाने वाला कार्य करते हैं, ऐसे लोगों की चतुराई से आपको बचना होगा। बिजनेस के नज़रिए से उपलब्धियों वाला समय होगा। टेक्नोलॉजी के मामले में आपका दिमाग बहुत ही तेज़ी से काम करेगा। स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग भी आपके ऊपर बना रहेगा। ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपका योगदान बना रहेगा। घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज रखें। प्रेम संबंधों में विश्वास और सम्मान की भावना रखना बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आप सभी को बता दें कि मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना आपको चुस्त दुरुस्त रखेगा। आपकी व्यक्तित्व दिनचर्या आपको स्वस्थ रखेगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यश में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना होगा और अपने व्यक्तित्व को निखार कर अपने आगे लाना होगा। जो भी चीज़ में आपको कमी लग रही है उस प्रकार की एक्सरसाइज आप शुरू करें, ये आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित होंगे। इसके उपरांत ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि दिन की शुरुआत बहुत ही सुखद रहेगी। सिर्फ खुद को अपडेट रखें, पॉजिटिव माइंड रखें। कर्म प्रधान होने से स्वतः ही भाग्य प्रबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के किसी निकट संबंधी का भी सहयोग मिलेगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी।
लेन देन संबंधी मामलों को लेकर कुछ गलती होने के कारण जी दोस्तों यश में आपको समस्याओं का भी थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि लापरवाही बिल्कुल ना करना है। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से उनका मनोबल बढ़ेगा। पड़ोसियों के साथ बात बात से बचें, वरना इस वजह से तनाव भी रहेगा और आपके कार्यों में भी बाधाएं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, इसको उपरांत हम आप सभी को बता दें, कारोबारी मामलों के लिए जो दिन है बहुत ही अच्छा रहेगा, व्यवस्था भरा दिन रहेगा। आपको अपनी मेहनत के मनोअनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जी दोस्तों, पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे। परंतु हम आप सभी को बता दें कि अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाकर रखना आपके लिए बेहद आवश्यक होगी। प्रतिद्वंदियों के साथ कॉम्पिटिशन करने में आपका समय और पैसा भी बर्बाद होगा। इसलिए आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना बेहद आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको पिछले कुछ समय से चल रही किसी टेंशन से राहत यश में मिलने वाली है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप अपने सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत कर पाएंगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा आपको मूल्यवान उपहार भी मिल सकता है। घर में किसी सदस्य के विवाह हेतु अच्छा रिश्ता भी आने की संभावना बढ़ रही है। जी दोस्तों, इसके उपरांत आप सभी को बता दें कि दिन के दूसरे पक्ष में कुछ प्रतिकूलता की स्थिति भी बनेगी। हालांकि आप अपने मनोयोग के से आप इन सभी पर काबू पा लेंगे। आज का जो समय होगा, किसी भी तरह का यात्रा को स्थगित रखें। आर्थिक समस्या को लेकर अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ये आपके लिए बेहद आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको जो पांच बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, वो पांच बड़ी खुशखबरी कौन कौन सी है। दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी यश में व्यापारियों के लिए है। जो लोग व्यापारी वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको अपने व्यापार में जो भी घाटा जो भी नुकसान देखने को मिल रहा था, यश में जो महालक्ष्मी नाम का युग का निर्माण हुआ है, इनसे आपके कार्यभार में तेजी आने वाली है। लाभ के नए नए मौके आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे मौके कुछ ऐसे ऑर्डर आप सभी को मिल सकते हैं जिनसे आप सभी का मन ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग बिल्कुल ही प्रसन्न हो जाएगा। खुशी से आप झूमने वाले हैं, ऐसी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, दूसरा जो खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है, बेरोजगार लोगों के लिए है। जो लोग पिछले कई समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे थे या फिर आपका रोजगार ठप पड़ गया था, तो आप सभी को बता दें कि यश में आपको मनचाह नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। उनके लिए आपको एक खास उपाय करना होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही सरल उपाय है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको वो भी बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जो भी बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार की प्राप्ति होगी, मन चाहे रोजगार की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, कोई लोग ऐसे हैं जो आसान परिवर्तन करवाना चाहते थे, उनके लिए भी समय अच्छा है। आपका जो लेटर है वह सफल होगा। जी दोस्तों, इसके उपरांत हम आप सभी को बता दें कि तीसरा जो खुशखबरी है, वो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में है। जी दोस्तों, जो लोग पिछले समय में परीक्षा दिए थे या फिर परीक्षा फल की तैयारी कर रहे थे, तो आप सभी को बता दें कि रिजल्ट यश में आपको प्राप्त होने वाले हैं। और जो भी रिजल्ट होंगे आपके पक्ष में होंगे, जिनसे घर परिवार में भी आपका नाम होगा, समाज में भी आपका नाम होगा। खासकर दोस्तों, आपको अपने माँ बाप का जो नाम है वो रोशन करने में सबसे ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, समय जो होने वाला है आज शाम से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना है कि अपने मन अपने दिल को सकारात्मक रखना है। थोड़ा सा भी सम्मान मिलने से आपको अपने अंदर अहंकार की भावना बिल्कुल भी नहीं लानी है। जी दोस्तों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि अहंकार का दूसरा नाम ही अंत है। जो लोग अपने जीवनकाल में चाहे कितनी भी बड़ी सफलताओं को हासिल कर ले, जीवनकाल में कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों को छू ले, अगर वह अहंकार करता है तो वो खाक हो जाता है। यूं कहें तो उनका अंत निश्चित होता है। जी हाँ दोस्तों, और हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के जीवनकाल में ये पाँच बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, जिनमें से हमने आपको तीन बड़ी खुशखबरी तो बता दिए हैं। दोस्तों, अगला जो खुशखबरी है वह आपके लव लाइफ के क्षेत्र में है। दोस्तों, जिनको भी अपने जीवनकाल में अच्छा पार्टनर नहीं मिला था या फिर एक अच्छे पार्टनर की तलाश में आप थे पिछले कई समय से, आपके जीवनकाल में जो लोग प्यार के मामले में थे, जो लोग पिछले कई समय से अपने जीवनकाल में टेंशन में चल रहे थे अपने जीवनसाथी के साथ, तो आपके लिए समय इतना अच्छा है कि आपको मन चाहा प्यार भी मिलेगा। और अगर आपके प्यार में थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई थी, तो वो भी यश में आपसी जो भी मेल मिलाप है, आपसी बातों से
वो सब दूर होने वाले हैं और दोस्तों आप सभी के प्यार में इसमें प्रगढ़ता आने वाली है। प्यार के मामले में समय बहुत ही अच्छा रहेगा और आप सभी का पुराना प्यार भी लौट कर आने वाला है। कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति इसमें दर्शा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल ही विनम्र भाव और नम्र स्वभाव आप सभी को रखना है। चाहे दोस्तों आपके पास पुराना प्यार भी वापस आ रहा है तो आपको अपने दिल अपने दिमाग को नरम रखना है और नम्रता से ही हर बातों को उनके सामने रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगला जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है वह यह है कि दोस्तों आपको अपने शत्रुओं से मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस कलयुग में जितना लोग अपने खुशी से खुश नहीं हैं उतना दूसरों की खुशी से दुखी है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के जीवनकाल में भी कुछ ऐसे स्थिति के लोग हैं, जब भी आपके जीवनकाल में थोड़ी सी खुशी आप सभी को प्राप्त होता है, थोड़ा सा भी प्रसन्नता आप सभी के जीवनकाल में आते हैं तो आपसे जलने वाले लोग जल जल कर राख होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि ये लोग अब आप सभी के जीवनकाल से हटने वाले हैं, कि दोस्तों भगवान शनिदेव का साय आप सभी के साथ रहने वाले हैं। शनिदेव का शस नाम का योग का निर्माण आप सभी के जीवनकाल में होना यानी आपके शत्रुओं का विनाश करना है, उनके कर्मों का फल देना है। और भगवान शनिदेव न्याय की देवता है। सभी देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ नाम भगवान शनिदेव का क्यों आता है? क्योंकि भगवान शनिदेव चाहे कोई भी जातक हो उन्हें दंड देते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे कुछ भी कर लें आपको आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में भी आपके शत्रुओं को कर्मों का फल मिलने वाले हैं और आपको जो भी लोग परेशान किए हैं उन सभी को एक एक करके भगवान शनिदेव दंडित करने वाले हैं। तो समय बहुत ही अनुकूल है, ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ऐसे में ईश्वर का भी आशीर्वाद आप सभी के पक्ष में रहने वाले हैं। जय दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ऐसे में अगला जो खुशखबरी आप सभी के जीवनकाल में आने वाली है, दोस्तों धन की समस्या आपके जीवनकाल में बहुत ही आप सभी के जीवनकाल में पिछले कई समय से चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पेशों की समस्या आप सभी के जीवनकाल में कुछ इस प्रकार बढ़ा है कि दोस्तों आपके पास पेशे ना होने के कारण बहुत सारे कार्य छूट गए हैं, बहुत सारे आपके अरमान हैं जो कि आपके छूट गए हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि दोस्तों आप करना चाहते थे लेकिन दोस्तों पेशों की समस्या की वजह से आप वह कार्य अभी तक नहीं कर पाए हैं, वह कार्य आपका अधूरा पड़ा था। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि महालक्ष्मी नाम का शुभ योग का निर्माण आप सभी की राशि पर होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों धन की समस्या आप सभी के जीवनकाल में समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये समस्या आप सभी के जीवनकाल में जड़ से ही समाप्त होंगी क्योंकि लाभ के कुछ ऐसे अवसर खुलने वाले हैं, लाभ के कुछ ऐसे मार्ग आप सभी के जीवनकाल में खुलने वाले हैं जहाँ पर आपको आने वाले समय में हमेशा धन की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो भी समस्या धन से जुड़ी थी वे सारी समस्याएँ अब समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों ऐसे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान सुनिएगा कि दोस्तों ऐसे में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ऐसे में पहला जो बात है, आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। और दोस्तों दूसरा जो बात है, ऐसे में आपको किसी भी औरत किसी भी ऐसे निसहाय व्यक्ति का अपमान नहीं करना है। जी दोस्तों, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है, अगर आपके पास कुछ ऐसा चीज़ है जिन्हें आप उन्हें दान में दे सकते हैं, अगर आप सहमत हैं तो दोस्तों दान पूर्ण जरूरी कीजिएगा। जी दोस्तों, अगर आपको ईश्वर दे रहा है आप दान करने में बिल्कुल ही कंजूसी ना कीजिएगा। जी दोस्तों, जितना आपसे हो सके, जितना आपका मन जितना आपका दिल करे उतना दान पूर्ण उतना सहयोग का भावना आपको अवश्य रखना है। इनसे दोस्तों ईश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हालांकि दोस्तों आप सभी का कर्म हमेशा श्री ईश्वर के सभी के प्रति अच्छा ही है, कभी किसी के प्रति आपने बुरा नहीं सोचा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ईश्वर दे रहा है तो उनमें से भी आपको कुछ ज़रूरतमंद व्यक्तियों को गरीबों को अवश्य देना चाहिए। इसी दोस्तों ईश्वर हमेशा आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको बनाते दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ऐसे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना है जो कि दोस्तों आपके लिए ज़रूरत भी है और आपके घर बार के लिए आपके परिवार के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। कि दोस्तों अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवनकाल में परेशान हो जाते हैं और बहुत सारी परेशानी एक साथ आती है, वह समझ नहीं पाता कि आखिर हमारे जीवनकाल में हमने कौन सी गलती किए हैं कि हमें एक साथ इतने सारे दुखों इतने सारे संकटों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों ऐसा अक्सर होता है कि ईश्वर हमारे जीवनकाल में जब भी नाराज हो जाते हैं तो ग्रह हमारे जीवनकाल में भले ही शुभ हो लेकिन दोस्तों परेशानियाँ हमें मिल जाती है। तो इनके लिए हमें क्या करना होता है कि ईश्वर को हमारे जीवनकाल में अपने घर परिवार में वास करवाना होता है।
अपने घर में ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जी दोस्तों, आप तो जानती होंगे कि दोस्तों घर में माता लक्ष्मी का वास अगर होता है तो घर में कभी भी किल्लत ना होती है, ना ही दोस्तों घर में कोई झगड़े होते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कलयुग में धन ही है जो व्यक्ति को खुश रखता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको इनके लिए क्या करना है कि घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन लगाना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवनकाल में माता लक्ष्मी का वास होगा, सभी देवी देवताओं का वास होगा। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें और उसे पैर बिल्कुल भी नहीं लगाएं। अगर गलती से भी लग जाती है तो उन्हें प्रणाम करें, नोहे दोस्तों उसके ऊपर गुजरे, अन्यथा घर में बरकत होना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। इसके उपरांत अगला जो कार्य है वह बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं। अगर किसी व्यक्ति ने खाए हैं तो दोस्तों सारे कपड़े और सारे चीज़ों को गंगा जल से छिड़काव करें, और कपड़े हैं उन्हें तो दोस्तों आप जब भी धोएं तो उनमें थोड़ा सा शेंखा नमक अवश्य मिलाएं। इनसे जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं वे कम हो जाएंगी। अगला जो कार्य है दोस्तों, घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर मत रखिएगा, उल्टे सीधे करके रखना बिल्कुल भी नहीं है। इससे घर में अशांति आती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो भी पहली रोटी आपके घर में बनती है उन्हें आपको गाय को खिलाना है। जी दोस्तों, इसे आप सभी को बता दें कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर हमेशा खुशियाँ बरसाएंगे, और आपके जो भी पितर हैं उनका भी आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो ये उपाय आपको अवश्य करना है अपने जीवनकाल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवनकाल में आपको सारी सुख सुविधाएँ मिलने वाली है, जो आपने कामना किए हैं, जो आपकी इच्छाएँ वे सभी पूरे होने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।